नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, संस्कृत सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, बीए तृतीय वर्ष के लिए दंडीकृत विश्व चरितम की श्रृंखला में आज ये हमारा 25वां दिन है। आज ये हमारा 25वां व्याख्यान है। हम देख रहे हैं कि अश्मक देश के राजा बसंत भानु, जो अपेक्षाकृत कम समृद्ध है, कम सेना वाला है, अपने से कई गुना बड़ी सेना को प्रच्छन्न रूप से गुप्त युद्ध में तमाम तरह के छल उपाय करके मार डालता है। उसके गुप्तचर और उसका पूरा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट लगा हुआ है इस काम में। हम देख रहे हैं, हमने पिछले व्याख्यान में, 24वें व्याख्यान में भी यही देखा और एक और व्याख्यान होगा जिसमें हम यही देखेंगे कि वो किस तरह से छल कपट के द्वारा, किस तरह से वो सेना को बिना युद्ध किए सेना के एक बड़े तबके को, एक बड़े हिस्से को मार डालते हैं। भाई आरंभ करते हैं। सपण बंधम अधिरुह्य अद्र श्रृंगाणी दुरधिरोहानि अनन्य लक्ष्यैहि प्रभ्रंशनैहि। सैनिकों से दोस्ती करी, उनसे शर्त लगाई, सपण बंधम, पण यानी शर्त, शर्त लगाई, इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं, चलो दौड़ के चढ़ते हैं, देखते हैं कौन पहले चढ़ता है। कुछ सैनिकों से दोस्ती करके उनसे शर्त लगाई, सपण बंधम अधिरुह्य, चढ़कर अद्रश्रृंगाणी, पहाड़ की चोटियों पर, दुरधिरोहानी, कैसी पहाड़ की चोटियों पर, जिन पर चढ़ना बहुत कठिन था, दुरधिरोह्य थी जो पहाड़ की चोटियां, उन पर अनन्य लक्ष्यैः ही प्रभ्रंशनैः ही, अन्यों के द्वारा न लक्षित हो सकें, कोई और देख न सके, ऐसे छुपे हुए लोगों के द्वारा या ऐसे गोपनीय तरीके से उनको गिरा दिया, पहाड़ की चोटियों पर ले जाकर के उनको ढकेल दिया पहाड़ की चोटियों से, और ऐसे ढकेला कि कोई देख भी नहीं पाया कि किसने ढकेला, किसी को नहीं पता कि मारा किसने। आटविक छद्मना विपनेशु विरल सैनिकानाम प्रतिरोध नहीं। कुछ सैनिक जो जंगल में भटक गए, उनको कोल भील बन करके जंगल में मिल गए और उनको रोक लिया और कोल भीलों के बहाने से उनको मार दिया। पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा कि भाई जंगल में भटक गए थे और जंगली जो जातियां हैं उन्होंने उनको मार दिया, इन पर कोई दोषारोपण नहीं आया। आज भारत और चीन की जिस तरह की स्थिति चल रही है या भारत पाकिस्तान के बीच में, ऐसे ही छद्म युद्ध होता है कि आप प्रत्यक्ष युद्ध कर नहीं सकते, बहाने से मारिए, तो बहाने से मार दिया। अक्ष द्यूत पक्ष युद्ध यात्रोत्सवादि संकुलेषु बलवत अनुप्रवेशनैः। कुछ सैनिकों से मित्रता करी और उनको अक्ष यानी पासे के खेल में, द्यूत यानी जुए में, पक्ष युद्ध जहां होते थे, ये भी लोगों का एंटरटेनमेंट का साधन था, बड़ी भीड़ लगती थी और पक्षियों का मुर्गा लड़ाना आज भी होता है कई जगहों पर, कबूतरों को लड़ाते हैं, उड़ाते हैं, ऐसे स्थानों पर, यात्रा इत्यादि पर, बड़े लंबी लंबी यात्राएं हुआ करती हैं, जैसे आजकल लोग रामदेवरा की यात्रा करते हैं या लोग उज्जैन जाते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, उन यात्राओं में इन्होंने इन सैनिकों को ज़बरदस्ती घुसा दिया। ज़बरदस्ती घुसा दिया का मतलब है उनको प्रेरित किया, उनको दुष्प्रेरित किया, गलत नियत से प्रेरित किया कि वहाँ चलिए, बहुत मज़ा आएगा, वहाँ सुंदर सुंदर महिलाएं होंगी, अक्ष टानिक, आँखों का टानिक मिलेगा, या पक्षी युद्ध में बहुत मज़ा आएगा, या इन यात्राओं में ऐसा होता है,
किसी बहाने से उनको बहला कर फुसला करके इन यात्राओं में शामिल करा दिया, इन सार्वजनिक उत्सवों में शामिल करा दिया। और उसके बाद इतरेषां हिंसोत्पादनैः, फिर दूसरों के द्वारा उन सार्वजनिक स्थलों में हिंसा करवा दी। गूढ़ोत्पादित व्यलीकेभ्यो अप्रियाणि, और कुछ अप्रिय बातें गूढ़ रूप से उत्पादित कर दी, अफवाह फैला दी। कुछ अप्रिय बातें जो थी उनको अफवाह के रूप में फैला दिया, यानी कुछ बाहरी लोग घुस आए हैं, कुछ असामाजिक लोग घुस आए हैं पब्लिक के बीच में, ऐसी अफवाह कर दी, उनसे झगड़ा करवा दिया। और फिर इस बहाने उनको पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार करा लिया। प्रकाशम लब्ध्वा साक्षिषु, और प्रकाश यानी प्रकट रूप में, साक्षी यानी कि गवाह के रूप में उनको पकड़ लिया। जब उनको पकड़ा तो पब्लिक यानी जनता का समर्थन था कि भाई हाँ, ये लोगों ने पब्लिक में आकर के न्यूसेंस किया है, उपद्रव किया है। तो लोगों से गवाही दिलवा करके तद विख्याप कीर्ति गुप्त हेतु भी, फिर साक्षी यानी साक्ष्यों के द्वारा उनका विख्यापन करके, यानी पब्लिक में सार्वजनिक रूप से उनका दोष कथन करके, और कीर्ति गुप्त अकीर्ति गुप्त गुप्त हेतु भी, अगर वो सीधे से उनको मारते तो उनमें अकीर्ति होती, अपयश होता, और बिला वजह मार रहे हैं तो उस अपयश से बचने के लिए गोपनीय तरीके, उस अपयश को गुप्त रखने के लिए पराक्रम दिखलाया उन्होंने। पराक्रम क्या दिखलाया? सार्वजनिक रूप से उनको दंडित किया कि ये लोग सार्वजनिक उत्सवों में पब्लिक के बीच में आम जनता को परेशान कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, इस तरह से करके उनको सार्वजनिक रूप से दंडित किया। तो वो निर्दोषों को मारने के अपयश से भी बच गए। फिर योग्य नारी हारिता नाम संके पर कलत्रेषु सुहृत्वेन अभियोज्य जारान भर्तृभयम् अपहृत्य तत्साहसोपन्यासी, एक उपाय ये किया कि पराई स्त्रियों से उनको मित्र के रूप में मिलवा दिया, यानी दूसरों की औरतों से उनकी मित्रता करवा दी बहाने से, और उन स्त्रियों को भी कह दिया कि हम तुम्हारी मित्रता को गोपनीय रखेंगे, इसलिए उनको भी वो उन्होंने ले लिया विश्वास में। और वैसे ही चारों ओर दुराचरण का माहौल चल रहा था, सभी तो लिप्त थे, कौन किसको कहे। ऐसी स्थिति में जब उनको, उन स्त्रियों को ये भरोसा हो गया कि उनको कोई नहीं देख रहा है, वो पकड़ी नहीं जाएंगी, तो वो भी इन कर्मों में निरत हो गई। और उसके बाद जो है तत्साहसोपन्यासी ही, उनके साहस यानी अपराध का उपन्यास किया, यानी सार्वजनिक प्रदर्शन किया। फिर उनको ऐन मौके पर पकड़ लिया और उनके सामने, आम जनता के सामने ला करके, ये लोग हमारी स्त्रियों से दुराचरण करते हैं, इस तरह के आरोप लगाए और उनको मरवा दिया, दंडित कर दिया। योग्य नारी हारिता नाम संकेतेषु, योग्य नारी से अभिप्राय है ऐसी सुंदरियां जो इस तरह के प्रयोजन से विशेष रूप से तैयार की जाती थी, विषकन्याएं कहा जाता था उनको, आज इसको हनी ट्रैप कहा जाता है। तो ऐसी स्त्रियों के द्वारा गोपनीय स्थान पर, संकेत स्थान पर मिलने के लिए बुलाए गए कुछ सैनिकों को प्राग उपनिलीय, पहले वहां जाकर के छुप गए, पहले से छिपे हुए थे उन स्थानों पर जहां बुलाया गया था, क्योंकि स्त्रियां तो मिली हुई थी। पश्चात अभी अभिद्रुत्य, पश्चात अभिद्रुत्य, अभिद्रुत यानी धावत्वा, फिर दौड़कर यानी अचानक उनको दौड़ करके, और अकीर्तनीय ही प्रमाणपयी प्रमापणई ही, प्रमापणई माने किलिंग, अकीर्तनीय जो बताने लायक नहीं है, यानी बहुत बुरी तरह से उनको मारा पीटा और उनको मार डाला। स्त्रियों को बुलाने के माध्यम से वहाँ स्त्रियों के साथ पकड़ लिया और उनको इस तरह से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन औरतों के साथ, इस तरह से करके, और उनको पकड़ लिया और उनको बहुत बुरी तरह से मारते हुए मार डाला। कुछ लोगों को ऐसे मार दिया, फिर बाकी कुछ लोगों को, लोगों की इंस्टिंक्ट देखते थे, प्रवृत्ति देखते थे कि किसकी प्रवृत्ति है, किसकी स्त्रियों में प्रवृत्ति है, उनको स्त्रियों के बहाने से मार दिया, किसकी शौर्य में प्रवृत्ति है, उनको
गुफाओं में पहाड़ों पर चढ़ने की शर्त लगा करके और वहाँ से ढकेल दिया। कुछ लोग गोपनीय विद्याएं, मंत्र साधना इत्यादि करते हैं तो उनको गुफाओं में लेकर के गए। उपप्रलोभ्य बिल प्रवेशेशु, बिल यानी गुफा में प्रवेश करने के लिए उपप्रलोभ्य लालच दिखलाकर, निधान खननेशु मंत्र साधनेशु च, गुफाओं में दो चीज़ों का लालच था। कुछ लोगों को मंत्र साधना का लालच दिया कि भाई यहाँ गुफा में मंत्र साधना करिए, सिद्धि होगी, प्राप्त होगी, यहाँ आप शांति से कर सकेंगे, कोई विघ्न बाधा नहीं होगी। और कुछ लोगों को कहा कि इन गुफाओं में खजाना छुपा हुआ है, तो निधान खननेशु खजाना खोदने के माध्यम से, और विघ्न व्याज साध्यैर व्यापादनैः ही, विघ्न के बहाने से व्यापादन कर दिया। विघ्न के बहाने से जो साध्य है, विघ्न के बहाने से भाव ये है कि जब आप गुफा इत्यादि में होते हैं या आप खजाने की खोज में होते हैं, तो कई दफ़े इस तरह की मान्यता समाज में होती है कि खजाने के रक्षक हुआ करते हैं, वो प्रेत होते हैं, भूत प्रेत होते हैं या सर्प इत्यादि होते हैं। तो ये अफवाह उड़ा दी लोगों में कि भाई वो तो खजाना खोज रहे थे और उसमें मारे गए, उनको सर्पों ने मार दिया या प्रेतों ने मार दिया, इस तरह की अफवाह उड़ा दी और मार इन लोगों ने दिया। इस प्रकार से अनेकों उपायों से उन सैनिकों को वो बहाने से, छल से, छद्म से मारने लग गए, और ये छद्म युद्ध बिना लड़े जीतने का इंतज़ाम होता रहा। आगे फिर आगे बताएंगे, आज यहीं तक। शुभ रात्रि।